पूरे भारत में इन दिनों राम नाम की जय जयकार सुनने को मिल रही है। इसी बीच अयोध्या राम जन्मभूमि से रोज नई खबरें सामने आ रही हैं, जिनमें राम मंदिर निर्माण के लिए मंदिर भूमि पूजन के लिए चल रही तैयारियां, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से प्रस्तावित कार्यक्रमों को लेकर अयोध्या में तैयारियां जोरों पर है। यहां आने वाली गेस्ट लिस्ट में बहुत सीमित लोगों के नाम ही शामिल हैं। इन्हीं सब के बीच यहां पर प्रसाद भरपूर मात्रा में तैयार करवाया जा रहा है। समारोह में 1,11,000 डिब्बों में प्रसाद के रूप में लड्डू बांटे जाएंगे। मणिराम दास छावनी के साथ ही हंसदेव राह बाबा के भक्त इस काम में लगे हैं। अयोध्या में होने वाले समारोह से पहले मणिराम दास छावनी में लड्डू बनाने की तैयारियां चल रही है। यहां पर 1,11,000 डब्बों में प्रसाद के रूप में लड्डू प्रदान किए जाएंगे। देवराहा हंस बाबा के सेवक तुषार के अनुसार मंदिर निर्माण से देश के करोड़ों राम भक्तों की आस्था जुड़ी है। उनका कहना है कि देवराहा हंस बाबा की ओर से भूमि पूजन के अनुष्ठान का प्रसाद भी सभी को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए 3, 5 और 11 लड्डू वाले डिब्बे तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक विशेष थाल भी है जो कुछ खास लोगों को दिया जाएगा, जिसमें प्रसाद और अयोध्या से जुड़ी किताब भी व अन्य वस्तुएं भी रहेंगी। राम मंदिर भूमि पूजन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 अगस्त को अयोध्या जाएंगे। इस दौरान वे संत महात्माओं के साथ बैठक करने के अलावा सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लेंगे।